नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल आपका दोस्त हांसी की आवाज़ से। आज हम खड़े हैं एसडी कन्या महाविद्यालय वरिष्ठ महाविद्यालय स्कूल के प्रांगण में, जहां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह चल रहा है 2019 का। किसी भी स्कूल का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह उस स्कूल की प्रोग्रेस दिखाता है, उस स्कूल का उन्नति दिखाता है कि स्कूल ने कितनी उन्नति की है, और उस स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट इस बात को इंगित करती है कि ये स्कूल यानी कि शिक्षार्थ स्कूल के अंदर किस तरह की शिक्षा दी जाती है, किस तरह के ऑलराउंड बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए कैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। यह स्कूल 1960 में बना और नारी शिक्षा पर यहाँ काफ़ी बल दिया गया, और इस नारी शिक्षा के चलते, लड़कियों की शिक्षा के चलते यह स्कूल आज भी वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है पूरे डिस्ट्रिक्ट की, जो पूरे ज़िले को यानी कि बच्चियों की शिक्षा के लिए ये एक प्रबुद्ध स्कूल माना जाता है। और इस स्कूल के अंदर आज 2019 का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह चल रहा है। आइए हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं चंद झलकियाँ इस स्कूल की, कि स्कूल में बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। उनकी कुछ झलकियाँ दिखाते हैं, उनके एकेडमिक कैरियर के लिए उन बच्चों का पारितोषिक वितरण किया जाएगा, जिन जिन बच्चियों ने, मेधावी छात्राओं ने स्कूल में अपनी क्लास में अव्वल रहकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, जिले का नाम रोशन किया है। जिसके अंदर और आज के मुख्य सामने आप नजर आ रही हैं, ये वार्षिक पारितोषिक समारोह में शिरकत कर रही है। हम दिखा रहे हैं कि सामने बैठे हैं हमारे बिल्कुल आज के मुख्य अतिथि महोदया मित्र, उनके साथ में प्राचार्य साथ में बैठे हैं, उनके प्रबंधक आज इस पारितोषिक समारोह के मुख्य अतिथि महोदया हैं, एक समाज सेवी साथ में सदन गोयल जी हैं जो सचिव हैं। दिखा रहे हैं कि प्रबंधक और अन्य विशिष्ट अतिथि हैं। पीछे हमें जूम करके दिखाइएगा, ये बच्चे बैठे हैं और यहाँ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जा रहा है स्कूल के अंदर, क्योंकि हम आपको झलकियाँ भी दिखाएंगे। के साथ के प्रधान हैं प्रीतम अग्रवाल जी जो जयपुर से तशरीफ फरमाए, साथ में प्रबंधक हैं सजन अग्रवाल जी, प्रिंसिपल महोदय हैं सोनिया अग्रवाल जी, पिछले आप देख रहे हैं कि दूर तक यानी कि बच्चे बैठे हैं और एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। सनातन धर्मदृष्ट महाविद्यालय के नाम से स्कूल 1960 से अपनी सेवाएं दे रहा है, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, और हम आपको मुख्य अतिथि का उद्बोधन भी यहाँ दिखाएंगे कि उद्बोधन देंगे, अपना संदेश देंगे, और ये सनातन धर्म वरिष्ठ महाविद्यालय के नाम से यह स्कूल चलता है, जिनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं आज श्री सनातन धर्म कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के वार्षिक समारोह में यहाँ आई है। आइए इनका उद्बोधन दिखाते हैं, क्या संदेश लेके जा रही हैं नेहा मित्र जी। प्यारे बच्चों, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कमजोर नहीं है, कमजोर हमारी इच्छा शक्ति होती है, और एजुकेशन इसलिए बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ लिख कर किसी एक मुकाम पर पहुंचते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आप पढ़कर इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग की लाइन में, और आजकल बहुत सारी ऐसी लाइन्स आ रही हैं जिनसे सभी चीजें ये लोग सिखा रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के कैंप्स भी टाइम टू टाइम लगवाए जाए, ताकि बच्चियाँ सशक्त हो सके, अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। मुख्य अतिथि को सम्मानित किया जा रहा है, हरनेहा मित्र स्कूल के प्रेसिडेंट
प्रीतम अग्रवाल जी साथ में। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम होता है कि जो मुख्य अतिथि मेहमान है खसूसी चीफ गेस्ट को सम्मानित किया जाए। नेहा मित्तल जी आज के समारोह के मुख्य अतिथि रही, उनको सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित करने में प्रबंधक सजन अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट प्रीतम अग्रवाल जी, सजन गोयल जी, स्कूल प्राचार्य व अन्य, कमलेश गर्ग जी, अशोक कनौजिया जी जो हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो भी साथ खड़े हैं। या आप देख रहे हैं इस पर नेहा मित्तल जी को, यह मुरली वाले कृष्ण की एक खूबसूरत सी मोतियों से जड़ी प्रतिमा से नवाजा जा रहा है, स्मृति चिन्ह से नवाजा जा रहा है। साथ में उप्रबंधक रजत अग्रवाल जी भी हैं, इधर सोनिया सचदेवा स्कूल के प्राचार्या हैं। कहते हैं प्रतिभा किसी की धरोहर नहीं होती है, ये प्रतिभावान छात्रों को, होनहार छात्राओं को मुख्य अतिथि अपने मुबारक हाथों से शील्ड देकर सम्मानित किया। वार्षिक समारोह श्री सनातन धर्म कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज एक ऐसी महिला सशक्तिकरण की, एक ऐसी महिला यानी कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम करती हैं, हमारे साथ बैठी हैं नेहा मित्तल जी, जो अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन की प्रदेशाध्यक्ष हैं, फतेहाबाद की म्यूनिसिपल काउंसलर हैं और साथ ही भारतीय विकास परिषद एक जो संस्कार निर्माण की कैसी शाखा है, एक ऐसा एनजीओ है, एक ऐसी समिति है, उसकी आप उपप्रधान हैं फतेहाबाद शाखा की। तो इन सभी गुणों से अलग भी ये कई ऐसी संस्थाओं से, स्वरोजगार जैसे भी है, महिला स्वरोजगार समिति की आप क्या हैं, डायरेक्टर हैं। इसे बेटा बना पालो, ये इतिहास को छू लेगी। करोगे विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास को छू लेगी। ना करना नज़रअंदाज बेटी को जीवन में कभी, ना करना नज़रअंदाज जीवन में बेटी को कभी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश को छू लेगी। ये शेर मैंने इसलिए सुनाया कि लड़कियों के हम पंख खोलते हैं, लड़कियां उड़ान भरती हैं, कल्पना चावला बनती हैं, न जाने पर्वतारोहण बनती हैं, न किन किन पदों पे जाती हैं, लेकिन उनका हश्र क्या होता है, उनका अंजाम क्या होता है, उनको किस तरह से वैश्य दरिंदे उनको नोच नोच के, इस तरह के हमारे पास लगातार तीन उदाहरण हमारे देश में आए। एक निर्भया, जिसे 7 साल हो गए, अभी तक उनके लिए डेथ वारंट नहीं डिक्लेयर किया गया। उसके बाद दिशा कांड हुआ, उसके बाद उन्नाव कांड हुआ, एक के बाद एक ऐसा होता है। तो ऐसे में हमारे साथ एक ऐसी महिला नेहा मित्तल जी, जिसे मैं कहूँ फतेहाबाद से तशरीफ़ फरमा हमारे चैनल पर, उन्हीं से जानते हैं कि ये ऐसा बार बार ऐसा कंसिस्टेंट ऐसे इंसिडेंट होना, क्या नारी सुरक्षा इतनी वीक पड़ गई है कि देश हमारा बार बार यानी कि ऐसे ऐसे झेलना पड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं हांसी की आवाज़ चैनल का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया अपने मंच के माध्यम से। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटियाँ कमज़ोर नहीं हैं, पर कई बार हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उससे बचाव का साधन भी हमें अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा। हम सारी चीज़ें सरकार पर क्यों थोपें, हालांकि हमारी सरकार ने कानून बनाया है, बट क्या हम कानून की वेट करते रहें कि सरकार हमारा बचाव करने आएगी या कानून व्यवस्था हमारा बचाव करेगी? हम उन वहशी दरिंदों से बचने का उपाय हम खुद क्यों नहीं ढूंढते, हम खुद क्यों नहीं सावधानी बरतते अपने लिए? निर्भया कांड को 7 साल हो गए हैं,
अभी तक यानी कि ट्रायल चल रहा था, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई थी, तो उसको अमली जामा पहनाने में 7 साल लग गए। तो कैसे डटरन होंगे दहशत गर्द जो दरिंदे, कैसे डरेंगे, बेखौफ कैसे, यानी खौफ ज़्यादा कैसे होंगे? एक्चुअली अगर हम खाली इस मुद्दे के साथ साथ अगर हम एक मुद्दा और देखें, अगर हम चोरियों की देखें, जो हमारे आसपास जो चोरियां होती हैं, क्या चोरों को सज़ा नहीं मिलती? मिलती है, फिर भी चोरियां होती हैं। ऐसे ही अगर ये लोग क्रिमिनल जो होते हैं, मेंटली सिक पीपल होते हैं कि इनका दिमाग इतना विकसित नहीं होता, इनका दिमाग सिर्फ एक ही दिशा में चलता है कि हमें ये काम करना है, या ये नशे के लत के इतने आदि हो जाते हैं कि इन लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। इन्हें गलत और सही का भेदभाव नहीं पता चलता, क्योंकि आज जैसे आप देख रहे हैं कि चिट्टा इतना फैल चुका है, उस नशे में लिप्त होकर उन्हें सही गलत का आभास नहीं रहता। इसको कौन रोकेगा, इस पर अंकुश कौन लगाएगा? ये एक सामाजिक कुरीति तो है, लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें आती जाती रहती हैं, कांग्रेस में भी हुआ, भाजपा में भी हुआ, कोई और तो आएगी उसमें भी हो रहा है। तो ये क्या है, विश्व गुरु जो बना हमारा देश, विश्व गुरु का ये नतीजा निकलता है कि लड़कियों के साथ उनकी दरिंदगी की जाए, उनके साथ दुष्कर्म करके उनको मार दिया जाए, उनको जला दिया जाए, उनका यानी कि मोलेस्टेशन करके उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। अरे फिर कानून लिंगरिंग ऑन होता है, बताइए क्यों? देखिए बहुत शर्मनाक हादसे हैं जिन माता पिता पे गुजरती है, जिस बेटी पे ये बीतती है, और उसके बाद मैं भी एक बेटी हूँ तो हमें बहुत दुख का एहसास होता है कि जब हम किसी बेटी के साथ ये हादसा सुनते या देखते हैं। उसी को हम दूर करने के लिए कि हालांकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने 12 साल से जो छोटी लड़कियां हैं उनके साथ अगर रेप होता है तो उनके लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान दिया है, और जो आप निर्भया कांड की बात कर रहे थे उसमें जो 7 साल का टाइम निकला वो इस वजह से निकला कि उनके पास, जो मैंने पढ़ा और देखा, कि जल्लाद नहीं था फांसी देने वाला, और जिसकी वजह से इस टाइम को निकलना पड़ा। बट अगर आपने देखा ये जो दिशा कांड था उसके आरोपियों को, ये तो आप बहुत वो बोल रही हैं, मैं तो जल्लाद क्यों, वो दया याचिका भी डाली गई है, कई चीजें और हैं प्रोसेस में, जल्लाद की वजह से तो नहीं हुआ ऐसा। फांसी का उनको दे दिया गया था उसी टाइम ही, तो उसके बाद तो उन्होंने रिपेटिशन डाल दी रिव्यू के लिए डाल दिया। जो कानून व्यवस्था है थोड़ी सी ढीली ढाली है, ये हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि अगर ये फास्ट हो ये सब कुछ तो शायद इतने हादसे ज़्यादा ना हो। और इन्हीं हादसों को पर कुछ ही, चलो जो ये सरकारी व्यवस्था है ये अलग है, पर मेरा मानना ये है कि अगर हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बेटियों को दें जिससे वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, हालांकि हमारे जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने 1091 हेल्पलाइन बनाई हुई है, दुर्गा शक्ति ऐप बनाई हुई है, पर अगर मान लो किसी के पास, अगर हम यहाँ बैठे हैं और बस स्टैंड पे कोई केस हो जाता है, उसको पहुँचने में 2-3 मिनट तो लगेंगे। इस दौरान अगर कोई रेपिस्ट उसको उठा के लड़की को कहीं से कहीं लेके जाना चाहता है, और अगर वो कराटे जानती है तो वो अपनी रक्षा कुछ ना कुछ टाइम के लिए रोक सकती है, कर सकती है। एक वीकर सेक्स शब्द आता है, महिलाओं को वीकर सेक्स कहते हैं, बायोलॉजिकल भी वो है, जेनेटिकली भी वीकर सेक्स होती है बताते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी अकाउंटेबिलिटी सरकार की नहीं है क्या? क्या हमें अपनी बच्चियों को कंस्टेंट नहीं रखना चाहिए? आप जैसे बोल रही थी कि बच्चियों एम्पावरमेंट हों, वुमेन एम्पावरमेंट हो, तो कुछ कंस्टेंट भी रखना चाहिए? देखो मैं ये मानती हूँ कि हम क्यों वीकर माने अपने आप को, हम वीक नहीं हैं। ये फिजिकल संरचना जरूर एक महिला की और पुरुष की डिफरेंट है, इसी तरह सहन करते रहेंगे, क्यों सहन करेंगे, सहन नहीं करेंगे। हम अपने आप को सशक्त बनाएंगे, हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, हम कमजोर नहीं हैं। आज भारत की नारी कमजोर नहीं है, और अगर वो चाहे, अगर आप ये देखिए कि पुलिस में डिपार्टमेंट में जो महिलाएं जाती हैं उनको भी उसी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जिससे एक पुरुष सिपाही को गुजरना पड़ता है, पुरुष कर्मी को गुजरना पड़ता है, तो क्या वो कमजोर है? अगर वो कमजोर है तो वो ट्रेनिंग कैसे लेती है? अच्छा मुझे बताइए इसमें सोशल मीडिया का कितना रोल होता है, जिसमें हम गूगल ऑन करते हैं, प्रॉन्स भी प्रोस्ट करते हैं? सोशल मीडिया का तो देखिए साहित्य का और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है, अगर इन पोर्न साइट्स को बंद कर दिया जाए, अश्लील साहित्य को बंद कर दिया जाए, तो इन घटनाओं को हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। अभी हमारे यहाँ फतेहाबाद ज़िले में एक बनारस से काशीराम जी आए हुए थे जिन्होंने आवाज़ उठाई, 1.25 महीने के करीब वो आमरण अनशन पे बैठे रहे कि नशे को बंद कर दिया जाए, नशे का कारोबार। पर कुछ ऐसे
सरकमस्टांसिस रहे, सरकार क्यों नहीं कर पाई, हालांकि उनकी डिमांड बिल्कुल सही थी, पर वो इस मुद्दे के मतलब पूरा उन मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए। तो अगर नशे पे बैन कर दिया जाए, जिसको हम नाम देते हैं कि गलत हादसों के कि जो काम होते हैं कि वो नशे के उसमें हो गया, और कहीं ना कहीं खाली नशा ही इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, सिक मेंटेलिटी जो जिम्मेवार है, या बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हम ये गलत अश्लील फिल्में देखते हैं, पोर्न साइट्स देखते हैं, जो बच्चों को आज इजी अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि माता पिता के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए कि वो उन्हें बता पाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, इनको भी रोक लगे इन पे? बिल्कुल, एडोलेसेंट बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड फोन दे दिया जाता है, पोर्न साइट्स देखते हैं, ब्लू साइट्स देखते हैं, तो वो इंस्टिंक्ट उनमें आती है। बिल्कुल, इन चीज़ों पे रोक लगाने के लिए अगर हमें जड़ से शुरुआत करनी पड़ेगी, नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी, कि अगर हम कहते हैं कि अगर वहाँ पर जड़ ही काट दी जाए तो पेड़ कहाँ से बनेगा, और हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर ध्यान देते हैं कि फोन साइट्स को बंद कर दिया जाए, नशे के कारोबार को बंद कर दिया जाए, बच्चों के हाथ में मोबाइल ना हो, जैसे पहले अगर हम देखते थे कि पहले के बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता था तो इतनी घटनाएँ नहीं होती थी, क्योंकि 13-14 साल के जो बच्चे होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता कि गलत सही क्या है, और जब ये गलत चीज़ें देख के वो इस दिशा में बढ़ जाते हैं तो वो नेचुरली गलती कर बैठते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ऐसे दरिंदों को, ऐसे हैवानियत करने वालों को पब्लिक डोमेन में लाके ऐसी रूह का देने वाली सजा दी जानी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। जिस बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, अभी मैं प्रियंका कान की बात करती हूँ, उस बेटी के साथ रेप किया गया और उसको जला दिया गया, तो उसको एनकाउंटर में मारने की बजाय अगर उसको जलाया जाता, उसको उस दर्द की अनुभूति दी जाती, तो उसे पता चलता कि मैंने क्या गलत किया, और सामने वाले पे भी इम्पैक्ट पड़ता कि आपने ये गलत किया, अगर हम भी कुछ ऐसा गलत करेंगे तो एक संदेश जाता समाज में। ये थी नेहा मित्तल जी, जिनका दिल धड़कता है बच्चियों के लिए, बेटी की माँ भी है, मैं भी दो बेटियों का बाप हूँ। जब मैं अपनी बेटियों को बाहर, मेरी कामकाजी बेटियाँ हैं, बाहर भेजता हूँ, ये भी बाहर भेजती हैं, इनकी बेटी MBBS कर रही है, तो जब तक घर नहीं आती इनका दिल धड़कता रहता। लेकिन ये साथ ही कह रही हैं कि महिलाओं को इतना सशक्त होना चाहिए कि वो अपनी आत्म रक्षा खुद कर सकें। सरकार के भरोसे मत छोड़िएगा, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन मैं एक बात को तो मानता हूँ कि ऐसे वैश्य दरिंदों को यानी कि लिंगरिंग ऑन प्रोसेस में ना डालें। नहीं, ये फास्ट प्रोसेस होना चाहिए, और ताकि सजा जल्दी मिले, ताकि उस बेटी को न्याय मिल सके, उन माता पिता को न्याय मिल सके। पर हम न्याय व्यवस्था से पहले मैं ये सोचती हूँ कि ऐसे हादसे होने ही ना पाए, हम ऐसा समाज बनाएं कि ऐसे हादसों को रोक सके और ऐसे हादसों को जन्म ही ना मिले। धन्यवाद नेहा मित्तल जी। नेहा मित्तल जी आज एक कार्यक्रम में आई, यहाँ 2019 का वार्षिक समारोह था, यानी कि सनातन धर्म कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का, उसमें हमने इनको अपने चैनल पर भी लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप महिला सशक्तिकरण के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते रहें और ऐसे सजगता और समाज में जागृति पैदा करते रहें। मित्रों, इसी ऐसी ही पर्सनैलिटीज़ से हम, विभिन्न पर्सनैलिटीज से आपकी रूबरू करवाते रहते हैं। आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया और स्नेह दिया, और हमें फीडबैक भी देते रहते हैं, और हम आपके फीडबैक हमारे लिए सदन का काम करती हैं, और इसी तरह की पर्सनैलिटीज से फिर हम मिलवाते रहेंगे। लेकिन आपसे एक वादा चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ये इंफॉर्मेटिव और एक महिलाओं को अवेक करने वाला और समाज को जागृत करने वाला और एक संदेश देने वाला कार्यक्रम आप तक पहुँच सके। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम में, चले जाते हैं तेरी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइए। नमस्कार दोस्तों।